हेलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो बहुत छोटा बनाने वाले हैं, ठीक है। और बताने वाले सीधा सीधा कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है दोस्तों। डीजिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, डीजिंग कॉर्पोरेशन का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 333 चल रहा है दोस्तों, ठीक है, 333 रुपये चल रहा है। आपको क्या करना है, इसे स्टॉक को खरीदना है, क्या करना है, खरीदना है, ठीक है। खरीद कर दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में रखना, जिससे आप जो है अच्छा से अच्छा जो अपना प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को खरीदो और अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखो। अभी देखिए 333 चल रहा है, आपको हो सकता है कि मौका बाद में ना मिले, ठीक है। तो एक बार बता देना चाहता हूँ, इसमें दो कारण हैं जिससे जो है ये डीजिंग कॉर्पोरेशन आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा आपको जो है प्रॉफिट निकाल के दे सकता है दोस्तों। अभी तो फिलहाल देखिए 7% 4% का नुकसान ही है। पहले बार जब ये स्टॉक गिरा तो स्टॉक गिरने का वजह था दोस्तों, गवर्नमेंट ने जितने भी अपने स्टेक थे सारे बेच दिए थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपना सारा स्टेक बेच दिया था पहली बार, उसकी वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आया। लेकिन उसके बावजूद अभी के टाइम में दोस्तों जो इसका रिजल्ट आया है वो बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, ठीक है दोस्तों। रेवेन्यू भी 10% से छोड़ के 33% चला गया, और जो इसका मुनाफा है वो भी दोस्तों धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आप सोच रहे हो अगर 10 की जगह 30 हो जाता है तो मतलब समझ रहे हो ना, कम से कम डबल हो गया, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, तो डबल से भी डबल यहाँ पर हो रहा है। तो कंपनी देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब चुपचाप बैठी हुई काम काज कर रही है, तो ऐसे कंपनी को आपको क्या करना है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिहाज के लिए खरीदना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपनी काफ़ी हाई से घूर के आ चुका है। देखिए जब इसमें अपर सर्किट मारना स्टार्ट करता है, यहाँ पर देखिए 300 के लेवल से तो 400 ठिका देता, ठीक है। तो आपको देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, एक स्टॉप लॉस के साथ जो अपना काम करना है। स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 328, ठीक है, 328 का जो अभी 328 का जो अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है, 25 के आसपास 28, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो है आपको जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलने के बाद निकल जाइएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन निकल जाइएगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट इसमें जो है जंप आना स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किया है, वो मार्केट का ये है दोस्तों। अगर मार्केट का मूवमेंट है जो नहीं आने देना चाहता किसी के हाथ में, तब वो किसी के हाथ में नहीं आ सकता, क्योंकि हम उस पर कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट मान लीजिए मार्केट ओपन ही होता है हाई पे और हमारे हाथ में नहीं आता है, तो वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है। वो मान लीजिए नहीं आया, तो उसके लिए आप हमारे पेड सर्विस ले सकते हैं, जिसमें आपको पहले और अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा, उसमें जिसमें आप में उसमें आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा।